चलिए, स्वागत है बच्चे आप सबों का। और आज सेट नंबर 30 में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि यहाँ देख लीजिए, ये चर्चा किया गया है मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो बच्चे ये देखिए, माइकोप्लाज्मा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और डायटम, ये मोनेरा समूह है। अब मोनेरा समूह जब भी होता है तो वो प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक आपको मैंने कई बार बताया है कि देखिए, प्रोकैरियोटिक जो होता है वह आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, ठीक है, पूर्णतः विकसित नहीं होगा, पूर्ण विकसित नहीं होता है। एकदम ध्यान में रखिए, पूर्ण विकसित नहीं होता है, यानी आपको इसका न्यूक्लियस जो है वह कंप्लीट डेवलप नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ी सी और बातें जानते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, एकदम ध्यान में रखिए, सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। और इसको, इसे क्या कहते हैं, इसे एक और चीज कहते हैं, इसे पीपीएलओ, इसे पीपीएलओ, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इसे पीपीएलओ कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, पीपीएलओ, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये साइनोबैक्टीरिया है बच्चे, ये क्या है? तो बच्चे ये क्या है, तो ये BZA ब्लू ग्रीन अलगी है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल पाया जाता है। और यह, ठीक है, यह आपको नाइट्रोजन स्थिर भी करता है, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा आप लोग, बार बार इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आर्की बैक्टीरिया याद रखना, आर्की बैक्टीरिया सबसे प्राचीन जीव होता है। मोनेरा समूह, ठीक है, मोनेरा समूह जो होता है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा, जहां भी मिट्टी, जल, वायु कुछ भी अवेलेबल है वहां पर यह पाया जाता है। बहुत अच्छी बात, आगे देखते हैं। करा तीसरे सेट में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन, मैं बार बार आपको बताता हूं कि देखिए, कक्षा में इलेक्ट्रॉन गवर्न करने का नियम किसने दिया था कक्षा में इलेक्ट्रॉन? तो बोर बरी नियम के अनुसार, बोर बरी नियम के अनुसार इसमें भरता है, के नियम के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन भरता है, के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरता है, एकदम याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन भरता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैसे भरेगा इलेक्ट्रॉन? तो बोर बरी के नियम के अनुसार इसमें भरता है। अब देखिए क्या होगा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब भी चर्चा करेंगे, कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना, तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन ये होता 2n² होगा। पहला कक्षा n बराबर 1, तो k कक्षा है बेटा, क्या होगा, k, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2, n बराबर 2, तो इसमें कितना होगा, तो l कक्षा, इसमें हो गया 2 × 2² यानी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और n बराबर 3, इसमें क्या होगा, तो इसमें KLM हो गया, तो m हो गया, तो 2 × 3² यानी 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बोला है कि तीसरे सेल में, तो बच्चे तीसरे सेल में कितना, तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। चौथे सेल में 32, पांचवे में कितना, तो बच्चे 50 हो जाएगा। और एस उपकक्षा में, उपकक्षा की चर्चा अगर करेंगे, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की चर्चा कीजिए, तो कक्षा में एस में कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना, तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितना, तो 10 इलेक्ट्रॉन, आपको एफ में कितना, तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, 14 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको बार बार याद रखनी पड़ेंगी, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां देखिए, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। तो जनरली क्या होता है कि प्रसव पीड़ा के समय में, ध्यान दीजिए बच्चे, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। और एक हार्मोन है जिसका नाम है रिलैक्सिन है, ध्यान में रखिए, रिलैक्सिन, ये क्या होता है, ये स्रावित होता है प्रसव के समय में। मैंने क्या कहा, तो ये जो है, ठीक है, प्रसव पीड़ा, ठीक है, उदर का निचला भाग जो है,
ठीक है, वहां पर संकुचन उत्पन्न होगा जिसके कारण प्रसव पीड़ा होता है बच्चे। ठीक है, उदर का जो भाग होता है गर्भाशय, गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, उदर का निचला भाग नहीं, गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण क्या होगा, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होगा। और मैंने क्या कहा कि एक हार्मोन है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, ठीक है, यह आपको गर्भाशय की दीवारों में, रिलैक्सिन यह गर्भाशय की दीवारों में, ध्यान दीजिए बच्चे, गर्भाशय की दीवारों में संकुचन उत्पन्न करता है। गर्भाशय की दीवारों में क्या करेगा, दीवारों में आपको कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करेगा, संकुचन उत्पन्न करता है, संकुचन उत्पन्न करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, उत्पन्न करेगा, कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा हार्मोन जो है प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हार्मोन क्या करेगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और गर्भाशय को सिकुड़ने से रोकता है या ग्रीवा को चौड़ा करता है। इससे बच्चे के जन्म में क्या होगा, आसानी होगी। क्या कहा मैंने बच्चे, यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फोसिस, प्यूबिक सिम्फोसिस को क्या करेगा, मुलायम करता है, जिससे बच्चा आपको बाहर निकलता है माँ के गर्भ से, प्यूबिक सिम्फोसिस को मुलायम करता है, ध्यान में रखिएगा, सिम्फोसिस को मुलायम करता है, सिम्फोसिस को मुलायम करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, को मुलायम करने का काम करता है, मुलायम करता है, एकदम याद रखिएगा बच्चे। तो ये करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय जो है ओभा है, और ओभा जब स्पर्म से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है, निषेचन होगा, ये निषेचन होने के बाद इम्ब्रियो का निर्माण होता है। और ये कहाँ होता है बच्चे, तो आपको पता है ये निषेचन जो होता है वह फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होगा, फेलोपियन ट्यूब में होगा। और माँ के, ठीक है, माँ से बच्चा जो है जुड़ा रहता है किससे, प्लेसेंटा के द्वारा, किसके द्वारा जुड़ा रहेगा, प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो ये बातें याद रखिए, बार बार आपसे इस पर प्रश्न पूछेगा। यहाँ देखिए, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व में कितने सेल होते हैं, आसान क्वेश्चन है बेटा। यहाँ देखिए, एक तत्व का परमाणु संख्या कितना है, 13 है, तो 13 है तो ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है तो ये क्या होगा, 13वें वर्ग का है, 13वें वर्ग का है। और आपको पता होनी चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 और 3, ठीक है, s2 और 3p1 होता है बेटा। तो ये देखिए कितने हो गए, तो आपको पता है पहला ये कक्षा हो गया 1s, ठीक है, 1s पहला कक्षा, दूसरा कक्षा 2s हो गया, और तीसरा कक्षा जो है ये 2s और 2p दूसरा कक्षा हो गया, और 3s और 3p ये तीसरा कक्षा हो गया, यानी पहला, दूसरा और क्या हुआ, तीसरा कक्षा। एल्युमिनियम का अयस्क ध्यान देना है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है कौन होगा, तो ये बॉक्साइट होगा, क्या होगा, बॉक्साइट होता है। और यहाँ देखिए बच्चे, बॉक्साइट होगा, और इसका बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Al2O3 2S2O होता है। तो ये बातें याद रखिए, बार बार आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि एल्युमिनियम का कौन सा अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, और इसका फॉर्मूला Al2O3 2S2O होता है। तब देखिए कक्षा कितना हुआ बच्चे, तो कक्षा 3 हो गया, कहाँ है 3, तो ये ऑप्शन आपका ए नंबर होगा, ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। आगे बढ़ें, यहाँ देखिए, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि नाइट्रोजन, ये देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन वर्ग, नाइट्रोजन वर्ग कौन सा वर्ग है, तो नाइट्रोजन वर्ग 15वां वर्ग है बच्चे, 15वां वर्ग है, ध्यान में रखिएगा, 15वां वर्ग है। नाइट्रोजन कौन सा वर्ग है, तो 15वां वर्ग है, याद रखना है आपको, नाइट्रोजन कौन सा वर्ग है, तो 15वां वर्ग होता है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ देखिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, तो बच्चे दो तीन काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहली बात क्या करेंगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वर्ग 15वां वर्ग, इस वर्ग को कहते क्या है, इस वर्ग को निक्टोजेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, निक्टोजेंस कहते हैं, याद रखना बच्चे, तो निक्टोजेंस कहते हैं। और ठीक है, आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन वर्ग जैसे ही हम बात करेंगे तो पहला तत्व का परमाणु संख्या क्या है, तो 7 है, क्या है, 7 है। तो जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ेंगे परमाणु संख्या में वृद्धि होगी। हम ले रहे हैं 15वें वर्ग को, हम किसको ले रहे हैं, 15वें वर्ग को ले रहे हैं बच्चे। तो क्या करते हैं, यहाँ देखिए 15वें वर्ग में कौन कौन तत्व आएगा, तो यहाँ देखिए पहला तत्व क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। दूसरा तत्व क्या होगा, फॉस्फोरस होगा। तीसरा होगा आर्सेनिक, ठीक है, तीसरा क्या हुआ, आर्सेनिक हो गया, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हो गया, ठीक है, एंटीमनी और क्या हुआ, बिस्मथ हो गया। कैसे निकालेंगे परमाणु संख्या, तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको ये दिया हुआ कितना है, 7 है, 7 में हम 8 जोड़ते हैं,
सात में हम क्या करेंगे, आठ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 15, 15 हो गया, ये हो गया फास्फोरस, क्या हो गया फास्फोरस हो गया, कितना जोड़ा मैंने तो 15 जोड़ दिया। चलिए बेटा अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, 15 में हमने क्या जोड़ा, तो बच्चे 15 में हमने जोड़ दिया कितना, 18 जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, तो आपको 33 हो गया। 33 किसकी परमाणु संख्या है, तो आर्सेनिक की है, किसकी, आर्सेनिक की होती है। अब देखिए फिर क्या करते हैं, फिर आपको 18, ये 33 हो गया, 33 किसका, आर्सेनिक का होगा, और फिर हमने इसमें 18 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, 18 जोड़ दिया। अब देखिए 33 और 18 कितना हो गया, तो बच्चे 33 8 3 11 51 हो गया, तो 51 किसकी, तो एंटीमनी की, और फिर हमने क्या किया, 51 में 32 जोड़ दिया बेटा, क्या जोड़ दिया 32, तो ये 83 हो गया, किसकी, तो बिस्मत की। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको मैं बार बार आपको बताता हूँ, देखिए कैसे जोड़ा मैंने, सबसे पहले जोड़ेंगे दो, चूंकि ये ठीक है सेकेंड वाला पीरियड है इसीलिए हम दो नहीं जोड़े, ठीक है, क्या हुआ उसके बाद आठ, उसके बाद ठीक है आपको आठ यहाँ से शुरू किया मैंने, ठीक है आपको ये पहला आवर्त से दूसरा आवर्त में, दूसरे से तीसरे आवर्त में आ रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो बच्चे ये आठ के बाद दो आठ आठ अठारह अठारह और क्या होगा 32, तो ये ध्यान में रखिएगा कैसे जोड़ते हैं, दो आठ आठ अठारह अठारह 32, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, तो आपको आपको यहाँ पूछ रहा है तीसरा क्या होगा, तो तीसरा हो गया 33, देखिए कहाँ पर है 33, आर्सेनिक होगा बेटा, क्या होगा आर्सेनिक होगा। तो इस तरह से आपको निकालना है, यहाँ पर याद रखिएगा कैसे निकालेंगे, तो दो आठ अठारह, हाँ दो आठ आठ, फिर क्या 18 18 और 32 हम जोड़ते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे पर आने पर। तो पहला वाला तो हो ही गया, सात है, सात में जोड़िए 8 15 हो गया, 15 में जोड़िए 18 33 हो गया, और 33 में 18 51 हो गया, फिर 32 जोड़ेंगे, तो इस तरह से होगा। देखिए 13 जो है परमाणु संख्या एल्युमिनियम का होता है, ये 13वें वर्ग का तत्व है, 25 जो है मैग्नीज है, और यह ठीक है 7वें वर्ग का तत्व है, 35 ब्रोमीन है, ये 17वें वर्ग का तत्व है बच्चे, तो ये ऐसे भी हम छांट लेते हैं इसको, 13 एल्युमिनियम, 25 मैग्नीज और 35 तो बच्चे ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, तो एकमात्र द्रव अधातु होता है। तो देखिए किस तरह से मैंने किया है काम, तो आपको इसी तरह से करना है बेटा, बार बार याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन होती है, तो बच्चे मानव रक्त में याद रखिएगा ठीक है, मानव रक्त में सबसे बड़ी जो कणिकाएं होती है वो श्वेत कणिकाएं होती है, और उसमें भी क्या होता है ल्यूकोसाइट्स होता है, क्या होगा ल्यूकोसाइट्स होता है, ध्यान में रखिए बच्चे। श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से पांच प्रकार का होगा, पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा बेसोफिल, तीसरा इओसिनोफिल, चौथा मोनोसाइट और अंत में लिम्फोसाइट्स। तो ये देखिए श्वेत रक्त कणिकाएं सबसे बड़ी होंगी, श्वेत कोशिकाएं, और इसका आयु कितना होता है, तो आयु होता है 6 से 13 दिन, 6 to 13 days, और क्या होगा बेटा, तो इसका जो है ठीक है इसका याद रखिएगा कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है इम्यूनिटी बढ़ाना, ठीक है आपको इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र को यह मजबूत करता है, बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है, और याद रखिए बच्चे कि निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण आप सभी बच्चों को पता है, चाहे RBC हो WBC हो या प्लाज्मा हो, सबका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, कहाँ पर होगा अस्थि मज्जा में होता है, तो ये बातें याद रखिएगा बोन मेरो में होगा। जबकि लाल रक्त कोशिकाएं ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है परिवहन करता है, ठीक है इट सर्कुलेट्स ऑक्सीजन, ठीक है सर्कुलेट्स ऑक्सीजन बच्चे, सर्कुलेट करेगा ये ऑक्सीजन हर जगह। और लसिकाएं कोशिकाएं क्षार रंग बच्चे गलत है, मैंने क्या बताया कि श्वेत रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, पांच प्रकार के। सबसे पहले क्या होगा, तो बच्चे सबसे पहले होगा न्यूट्रोफिल, फिर क्या होगा बेसोफिल, फिर क्या होगा इओसिनोफिल, फिर क्या होगा तो मोनोसाइट्स, और फिर क्या होगा लिम्फोसाइट्स। तो ये ध्यान में रखिएगा न्यूट्रोफिल ठीक है, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स ठीक है, और उसके बाद बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स। तो ये ध्यान में रखिएगा, इतने आपको क्या होते हैं रक्त कणिकाएं होती हैं, WBC के प्रकार होते हैं बच्चे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ठीक है, आपको न्यूट्रोफिल्स, मेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। तो इतने होते हैं आपको श्वेत रक्त कणिकाएं, मुख्य रूप से पांच प्रकार का होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और याद रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है। बच्चे ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, ध्वनि मतलब हो गया आपको साउंड, ध्वनि को प्रभावित करता है कौन कौन, प्रभावित करता है ध्वनि को प्रभावित करता है, याद रखना है बहुत सारा चीज आपको प्रभावित करता है,
सबसे पहले तापमान, अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर देखिए आर्द्रता, आर्द्रता अगर बढ़ेगा यानी आपको ह्यूमिडिटी का मान अगर बढ़ गया तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर देखिए आपको माध्यम की गति, बच्चे माध्यम की गति अगर बढ़ती है तो ध्वनि की चाल क्या होगी, ठीक है, माध्यम की गति बढ़ती है तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर देखिए आपको, ठीक है, अनुभार, गैसों का अनुभार, गैसों का अनुभार, ध्यान दीजिए, गैसों का अनुभार अगर बढ़ता है तो ध्वनि की चाल आपको घट जाती है, ध्वनि की चाल आपको घट जाएगी। और अंत में क्या होते हैं, तो दाब, ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एकदम याद रखिएगा, दाब से ध्वनि की चाल अप्रभावित रहती है, अप्रभावित, बढ़ भी गया या घट भी गया ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी, बढ़ती है, बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ध्वनि है क्या, तो ध्वनि, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, और अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक क्या है, किसमें होगा, तो ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ध्वनि की चाल होती है सबसे अधिक आपको ठोस में, ठोस में होगा, उसके बाद किस में, तो द्रव में होगा, उसके बाद किस में, तो बच्चे गैस में होगा। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा इन सब चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, एक वस्तु 4 सेकंड में 14 मीटर और 2 सेकंड में 16 मीटर गति करती है, तो बच्चे इसका क्या निकालना है, वस्तु की औसत गति निकालिए। बार बार हम बताते रहते हैं आपको, देखिए वी एवरेज बराबर क्या होता है, S1 प्लस S2 बटा T1 प्लस T2, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, तो बच्चे 16 है और 14 है, बटा कुल समय कितना है, तो बच्चे 2 है और 4 है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, 16 14 30 हो गया, 30 आप बटा कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 ले लीजिए, 56 30 5, यानी 5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो आंसर देखिए 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है, ये आंसर हो गया, क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लोराडैस का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है, तो बच्चे कागज, पीएच कागज, अब यहां देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पीएच कागज की बात कर रहा है, ठोस सोडियम कार्बोनेट, यहां देखिए पीएच का मान कैसे पता लगाएंगे, तो पीएच का मान, ठीक है, आपको पीएच का मान क्या होगा, तो जब भी ठोस रहेगा तो ठोस, ठीक है, आयनीकृत नहीं होता बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठोस क्या होगा, ठीक है, ध्यान में रखिए बच्चे, पीएच जो है, पीएच याद रखिएगा, क्या कह रहा हूं मैं, कि ये देखिए इसमें भी द्रव है, ठीक है, पीएच का मान कितना से कितना होता है, तो 0 से 14 होता है, ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, पीएच कब काम करता है, पीएच कार्य करता है कब काम करेगा बच्चे, पीएच मतलब या अम्ल और क्षारक, अम्ल या क्षारक, ठीक है, क्षारक कार्य करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्षारक कार्य करता है जलीय माध्यम में, कौन सा माध्यम में, जलीय माध्यम या एक्वस मीडियम में काम करेगा, जलीय माध्यम में कार्य करता है, माध्यम में कार्य करता है, ठीक है, ये कार्य करता है। और आपको पता है बेटा कि जब भी, ठीक है, अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान होता है आपको, आपको पीएच मान होता है लेस देन, ठीक है, ये देखिए ये ग्रेटर हो गया, लेस देन 7 होगा। और आपको क्षारक का पीएच मान क्या होगा, तो क्षारक का पीएच मान कितना होता है, तो बच्चे ग्रेटर देन 7 होता है। और उदासीन का पीएच मान क्या होता है, तो उदासीन का पीएच मान होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, उदासीन का पीएच कितना होगा, तो 7 के बराबर होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, आपको याद रखना है, ये जलीय माध्यम में कार्य करता है, यहाँ ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट है तो इसमें काम करेगा नहीं। पानी का पीएच मान 7 के बराबर होता है, स्याही और जूस इसमें काम करेगा बच्चे, तो किसमें काम नहीं करेगा, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट में। और सोडियम बाइकार्बोनेट होता क्या है, तो सोडियम NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ध्यान में रखिएगा यह क्या है, तो बेकिंग पाउडर होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे। आगे देखते हैं, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन होता है, तो देखिए सबको हम लेके चलते हैं, ठीक है, श्वसन वर्णक हो गया हेमोग्लोबिन, क्या होगा, हेम और ग्लोबिन, हेम प्लस क्या होता है, ग्लोबिन होता है,
और हेम का मतलब क्या होता है? हेम का मतलब होता है लौह आयन, Fe2+ आयन होता है। और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। और ये याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन या क्या करेगा तो ऑक्सीजन को कैप्चर, ऑक्सीजन को कैप्चर कर परिवहन करता है, कैप्चर कर परिवहन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करेगा, परिवहन करता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करेगा। जबकि मेलानिन क्या होता है? तो ये त्वचा में, त्वचा की एक परत होती है, त्वचा की परत होगी, ध्यान में रखिएगा, परत होती है, त्वचा की परत होती है, त्वरत परत में, ठीक है, क्या होगा? वर्णक होता है, वर्णक होता है, होती है, जो क्या करेगा? त्वचा को रंग प्रदान करता है, त्वचा को रंग प्रदान करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, रंग प्रदान करेगा, त्वचा को रंग प्रदान करता है। त्वचा को रंग प्रदान करने वाला पदार्थ कौन होता है? तो बच्चे मेलानिन होता है, मेलानिन होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपको इस पर प्रश्न पूछेगा। डैश धातु हमारे हथेली में पिघल जाता है, तो मैं बार बार बताता रहता हूँ बच्चे, ये देखिए, ठीक है, आपको कमरे के ताप से ऊपर द्रव धातु, कमरे के ताप से, ठीक है, ऊपर, ठीक, ऊपर ऊपर द्रव धातु कौन कौन होता है? तो द्रव धातु होता है कौन कौन, तो बच्चे मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, ये देखिए, गैलियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम होगा, गैलियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या होगा? फ्रांसीसियम होगा, गैलियम, ठीक है, यह हथेली पर पिघल जाता है, ध्यान में रखिएगा, हथेली पर पिघल जाता है, पिघल जाता है, कोई बात नहीं है, किस पर पिघल जाएगा? हथेली पर लेने पर पिघल जाता है। और ये सारे आपको क्या होते हैं? द्रव धातु होते हैं। किस पर? तो कमरे के ताप से ऊपर, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये सारे क्या होंगे? द्रव धातु होते हैं। तो कौन पिघलेगा? तो गैलियम। बच्चे मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, ये क्या है? तो क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्षारीय मृदा धातु होता है। और पोटेशियम, ये भी, ठीक है, आपको क्या है? तो क्षार धातु है, क्षार धातु होता है, अल्कली मेटल्स है। और एल्युमिनियम, तो ये क्या होता है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 है, कितनी है? 13 है। और ये क्या होता है? तो 13वें वर्ग का धातु है, 13वें वर्ग का धातु होता है। और इसकी, इसका जो आपको अयस्क होता है वह बॉक्साइट होता है, क्या होता है? बॉक्साइट होता है। तो गैलियम जो है ये आपको क्या होगा? हथेली पर जैसे ही लेंगे पिघल जाएगा। और एकमात्र द्रव धातु, एकमात्र द्रव धातु किसी भी तापमान पर, द्रव एक, एकमात्र द्रव धातु कौन होगा? तो एकमात्र द्रव धातु होता है केवल और केवल, क्या होगा बेटा? तो ये होगा मरकरी। और एकमात्र, ठीक है, द्रव अधातु, एकमात्र द्रव धातु कौन? तो एकमात्र द्रव अधातु हो गया कौन बच्चे? तो ये याद रखिएगा आपको, ब्रोमीन होगा, क्या होगा? ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु होता है। चलिए अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, किसी वोल्टमीटर का उपयोग डैश मापने में करते हैं, वोल्टमीटर बोल रहा बेटा, वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर का उपयोग हम लोग विभवांतर को मापने में करते हैं, विभवांतर को मापते हैं इसके द्वारा, विभवांतर को मापेंगे, ठीक है, वोल्टमीटर के द्वारा। अब देखिए वोल्टमीटर, ध्यान दीजिए बच्चे, वोल्टमीटर ये क्या होता है? तो वोल्टमीटर, ठीक है, आपको वोल्टेज मापेगा, वोल्टेज मापेगा, और वोल्टेज मापता है या विभवांतर मापता है बच्चे, या परिपथ में कैसे जोड़ेंगे? परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एकदम याद रखिएगा, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और क्या होगा? तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, याद रखिएगा, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? अनंत, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, कुछ है नहीं इसमें, प्रतिरोध अनंत होता है, एकदम बहुत ज्यादा होगा बच्चे। और चूंकि इसको सीरीज पैरेलल क्रम में हम जोड़ते हैं। अब देखिए विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को कैसे मापते हैं? तो विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर के द्वारा, किसके द्वारा मापेंगे? एमीटर के द्वारा मापते हैं, याद रखिए बच्चे, एमीटर के द्वारा मापा जाता है, द्वारा मापते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है कि प्रतिरोध अगर रहता तो प्रतिरोध को, विद्युत धारा में प्रतिरोध होता है बच्चे, प्रतिरोध को मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, ओम मीटर का उपयोग करते हैं, प्रतिरोध, केवल वायु प्रतिरोध नहीं बोल रहे, प्रतिरोध बोल रहे हैं, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण के परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे जिसे क्या कहते हैं बेटा, तो जिसे कहा जाता है, ध्यान में रखिए, जिसे कहा जाता है ध्रुव। बच्चे ये देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण है ना, ठीक है, ये परावर्तन सतह, ये देखिए इस बिंदु को ध्रुव कहेंगे, इससे जब प्रकाश की किरण निकलती है तो बिना परावर्तन के सीधे गुजर जाती है, ये ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। और बच्चे मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक है, मुख्य अक्ष वह अक्ष है, ठीक है, जो जो ध्रुव से गुजरता है और बिना परावर्तन के सीधे गुजर जाता है। और आपको यहाँ पर तीन बातें याद रखना पड़ेगा। ये देखिए कौन सा दर्पण है, तो ये आपका अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल, अवतल दर्पण है, ध्यान में रखिएगा, अवतल दर्पण होता है। और ये क्या है बच्चे, तो ये उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होगा, ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो पॉजिटिव होगी, ध्यान में रखिएगा इन सब चीज़ों को, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जबकि आपको पता है दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है, याद रखना बेटा, 1/v + 1/u बराबर क्या होगा, 1/f होगा। और वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है, r बराबर 2 गुना फोकस दूरी, 2 × फोकस दूरी होता है या फोकल लेंथ होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डैश सूर्य किरणों द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी होता है। बच्चे आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट किरण जो है यह काफी हानिकारक होता है त्वचा के लिए, त्वचा के संपर्क में आने पर यह कैंसर उत्पन्न करता है, संपर्क में आने पर क्या उत्पन्न करेगा, आने पर कैंसर उत्पन्न करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, कैंसर उत्पन्न करता है, कौन बच्चे, तो आपको याद रखना अल्ट्रावायलेट किरण कैंसर उत्पन्न करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी बातें और देखते हैं। अल्ट्रावायलेट किरण विकिरण को ठीक है, ओजोन परत क्या करता है, अवशोषित करता है, ओजोन परत अवशोषित करता है, यानी आपको समताप मंडल में ओजोन परत होता है और यही परत क्या करेगा, तो ओजोन परत को अवशोषित कर लेने का काम करता है, ठीक है, ओजोन परत को अवशोषित, ओजोन अल्ट्रावायलेट किरण को क्या करेगा, विकिरण को ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। और ये ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो ये ओजोन परत पाया जाता है आपको समताप मंडल में, ध्यान में रखिएगा बच्चे, समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरण जो होता है इसकी खोज किसने की, तो बच्चे इसकी खोज की थी रिटर महोदय ने, किसने किया था, रिटर ने। जबकि गामा किरण की खोज किसने की थी, ये देखिए सबसे पावरफुल, ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, सबसे अधिक ऊर्जा वाला विकिरण है, सबसे अधिक आवृत्ति वाला है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला है, यानी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक होगी, ऊर्जा सबसे अधिक होगी, तो यह काफी अधिक हानिकारक विकिरण है। और इसकी खोज की थी पॉल विलार्ड ने, किसने किया था, पॉल विलार्ड ने किया था, ध्यान में रखिएगा, पॉल विलार्ड ने इसकी खोज की थी, पॉल विलार्ड, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, पॉल विलार्ड ने किया था। बीटा किरण, अल्फा और बीटा किरण जो है ये आपको रेडियो सक्रिय विकिरण होता है। और ये है क्या बच्चे, तो अल्फा किरण जो है, अल्फा क्या होता है, हीलियम आयन, 2He++ आयन होता है। और बीटा किरण क्या होता है, तो बीटा इलेक्ट्रॉन होता है, -1e⁻⁰ होता है। तो ये आपको हीलियम विकिरण है अल्फा किरण, और बीटा जो है बच्चे यह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। चलिए आगे देखते हैं। डैश यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। बच्चे मिथेन की परमाणु संख्या क्या होती है, मिथेन का आपको फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है। और इसमें देखिए क्या होगा, तो बच्चे इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये देखिए, यानी खुली श्रृंखला है, प्रोपेन C2 प्रोपेन C3H8, ठीक है बच्चे, C3H8 होगा, तो ये प्रोपेन होता है, इसमें भी खुली श्रृंखला होगी। ब्यूटेन में भी C4H10 है, खुली श्रृंखला, ये सभी एल्केन है, लेकिन बेंजीन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या होता है, तो आपको पता है मैंने बार बार आपको बता रखा है कि 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होगा। इसका स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो स्ट्रक्चर दिया था, याद रखिएगा, स्ट्रक्चर दिया था किसने, तो ये कैक्यूल ने दिया था, कैक्यूल ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। और आपको फेराडे ने इसके गुण के बारे में बताया था, फेराडे ने इसके गुण के बारे में बताया था, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। और बेंजीन को द फादर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए, हीलियम के 52 kg में अनु उपस्थित होते, 52 ग्राम कर दीजिए बेटा, 52 kg नहीं,
बावन ग्राम कर देते हैं, ठीक है, में अनुपस्थित होते हैं। तो देखिए क्या होगा, हीलियम, हीलियम जब भी बात करेंगे तो 4 AMU होता है, 4 MU या 4 ग्राम, और आपको नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकालना है, बराबर क्या हो गया, या नंबर ऑफ मोल्स हो गया, बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये बेटा क्या होगा, छोटका एम बटा बड़का एम। तो देखिए छोटका एम कितना दिया हुआ है, 52 ग्राम दिया हुआ है, बड़का एम कितना है, 4 है, तो काट दीजिए 13 अणु उपस्थित होंगे। तो देख लीजिए कहाँ पर 13 है, ये आंसर है बच्चे। हीलियम का खोज किया था लोकेयर ने, ठीक है, लोकेयर ने हीलियम, हीलियम का खोज किया लोकेयर ने, और आपको पता होगा लोकेयर ने किया था, ये एकमात्र क्रिय गैस है जिसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 हो गया बच्चा, 1s2 हो गया, ठीक है। हीलियम याद रखना है कि इसका उपयोग सबसे पहले वायुमंडलीय गुब्बारे में, वायुमंडलीय गुब्बारे में करते हैं, गुब्बारा में, और दूसरा इसका उपयोग याद रखिएगा वायुमंडलीय गुब्बारा में, और आपको ऑक्सीजन सिलेंडर में भी करते हैं, गोताखोर लेके जाते हैं ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ठीक है, युक्त युक्त ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने में इसका यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। बच्चे किसी वस्तु पर लगने वाले बल और बल की दिशा में दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, कार्ज कहलाएगा, और ये FS cos थीटा होगा, FS cos थीटा होगा, ध्यान में रखिएगा FS cos थीटा होगा, और ये कार्ज होगा, किया गया कार्ज होता है। चलिए बच्चे जरा इस पर बात कर लेते हैं, कार्ज, कार्ज आपको क्या होगा, महत्तम, महत्तम कब होता है, जब थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान आपको 0 डिग्री होगा। कार्ज आपको शून्य क्या होगा, कार्ज आपका शून्य होता है, कब शून्य होता है, तो कार्ज शून्य होता है जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, और कार्ज आपका ऋणात्मक कब होगा, तो कार्ज जो है, ठीक है, ऋणात्मक ये कब होता है, तो कार्ज ऋणात्मक होता है जब थीटा का मान कितना, 180 डिग्री होता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। अब देखिए त्वरण क्या है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, और ये क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आवेग क्या होता है, तो आवेग जो है बल गुना सूक्ष्म समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, तो आवेग कहते हैं। बल और सूक्ष्म समय के गुणनफल को क्या कहेंगे, तो आवेग कहेंगे। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे पूछेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु 6 सेकेंड में 18 मीटर, पुनः 4 सेकेंड में 18 मीटर की गति करता है, तो आप निकालिए। बच्चे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, वी एवरेज बराबर, यानी औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा क्या होगा, कुल समय होगा। निकाल लीजिए ना, कुल दूरी कितना हो गया, तो 18 और प्लस 18, 18 प्लस 18 बटा कितना, तो आपको 6 प्लस क्या हो गया, 4, यानी 36 बटा 10 हो गया, और ये 3.6 मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। हाँ, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से दिखता है, उसे हम प्रबल गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबल गुण कहते हैं, ध्यान में रखिए बच्चे, कौन सा गुण कहेंगे, तो इस गुण को हम प्रबल गुण कहते हैं, याद रखिएगा बच्चे। मैंने कहा, मान लीजिए कि एक मटर का पौधा है, मटर का पौधा है, और ये देखिए, ये आपको टॉल टॉल, ये लंबा है बच्चे, तो लंबा है, इसको क्रॉस कराते हैं किससे, तो नाटा से, ठीक है, नाटा से, बौना से क्रॉस कराए, तो ये क्या होगा, पहले जनरेशन में TT प्राप्त हुआ, तो केवल और केवल लंबा प्राप्त हो रहा है, लंबा प्राप्त होता है, और ये यहाँ पर कौन सा फैक्टर हो गया बच्चे, लंबा जो है डोमिनेंस हो गया, डोमिनेंट फैक्टर हो गया, डोमिनेंट, प्रभावी, प्रभावशाली, प्रबल, और ये देखिए ये क्या होगा, तो F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं बच्चे, तो ये क्या होगा, तो ये हो गया रेसेसिव, रिसेसिव होता है बच्चे, यानी निर्बल हो गया, तो ध्यान में रखिएगा ये प्रबल हो जाएगा। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो मेंडल को कहा जाता है, ध्यान में ये भी रखना है, अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहते हैं बच्चे, तो ये प्रभावी गुण होगा। लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, तो आपको, ठीक है, 3 लंबा और 1 नाटा प्राप्त होता है बच्चे, 3:1 में प्राप्त होगा, तो ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए देखिए, यदि पानी का घनत्व तो इतना हो, धातु का घनत्व तो इतना हो, तो सापेक्ष घनत्व तो निकालिए, सापेक्ष घनत्व तो का फॉर्मूला बच्चे कई बार मैंने आपको इस तरह के प्रश्न बताए हैं, सापेक्ष घनत्व तो क्या होता है,
सापेक्ष घनत्व होता है वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे हो गया क्या जल का घनत्व हो गया, जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व, जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व होता है। और बच्चे यहाँ देखिए कितना है, तो 8.5 × 10³ केजी पर मीटर क्यूब है, बटे क्या होगा तो ये हो जाएगा आपको 10³ केजी पर मीटर क्यूब। तो निकाल लीजिए ना, ये काट दीजिए, कितना बचा 8.5 बचा, यानी सापेक्ष घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व तो कितना होगा तो 8.5 होगा। याद रखना है सापेक्ष घनत्व को मापते किसके द्वारा है, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सापेक्ष घनत्व वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व होता है, वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व होता है, और इसके आधार पर आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत स्ट्रक्चरल रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है। बच्चे यहां देखिए, ये देखिए ये क्या है, तो जेडन प्लस स्ट्रेस फोर्स, यानी मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, कि अभिकारकों का कुल परमाणु, अभिकारकों का कुल परमाणु, अभिकारकों का कुल परमाणु जब, कुल परमाणु जब क्या होगा, बराबर होगा किसके, प्रतिफलों के कुल परमाणु के, प्रतिफलों का कुल परमाणु के बराबर हो, कुल परमाणु के बराबर हो, तो ये रासायनिक समीकरण आपको बैलेंस होगा, रासायनिक समीकरण आपको संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ध्यान में रखिए बच्चे, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। अभिकारकों का कुल परमाणु बराबर प्रतिफलों का कुल परमाणु के बराबर हो जाएगा, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बच्चे यहाँ देखिए, ये बैलेंस नहीं है, तो जो बैलेंस नहीं हो, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन नहीं होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं हो, केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं हो, तो उसको बोलते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन नहीं हो, इक्वेशन नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, नहीं हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं, स्ट्रक्चरल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ये याद रखिएगा बच्चे, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, कैसा कहेंगे आपको स्ट्रक्चरल। यहाँ देखिए बैलेंस्ड है बच्चे, बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये भी बैलेंस्ड है और ये भी आपको बैलेंस्ड है, याद रखना बच्चे ये भी बैलेंस्ड है। तो ध्यान में रखिएगा, केवल इसमें एक बैलेंस्ड नहीं है तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल। यदि अभिकारकों का कुल परमाणु बराबर क्या होगा आपको, प्रतिफलों के कुल परमाणु के, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, यदि बराबर नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल बोलेंगे, ढांचागत बोलते हैं बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए तो ये सेट यही खत्म हो रहा है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट को लेकर के। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो जो बातें मैं बताता हूँ, जो बातें लिखाता हूँ, वो केवल नोट डाउन करिए, एक बार खूब अच्छे से पढ़ के जाइए, निश्चित रूप से इससे बाहर जाने का प्रश्न नहीं उठता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।